हेलो दोस्तों, ताप्तीस फूड में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे पोहे और आलू का बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता, और ये फटाफट से बन के रेडी हो जाता है, और आप इसे बच्चों के स्कूल के टिफिन में भी रख सकते हैं। तो चलिए हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कप पोहा लिया है, ये हमारा जो नॉर्मल पोहा बनाते हैं वो वाला पोहा है। आप यहाँ पर कोई भी पोहा यूज़ कर सकते हो, पतला वाला, मोटा वाला। और इसमें लगभग 3 कप गुनगुना पानी डालेंगे और 1 मिनट के लिए इसको भिगो के रखेंगे। 1 मिनट के बाद में देखिए पोहा अब अच्छे से फूल गया है। अब हम इसे 2 से 3 बार पानी से धो लेंगे। पोहे को अच्छे से धोने के बाद में इसे हम इस तरीके से छन्नी में डालकर इसका एक्सेस वाटर को हम निकाल लेंगे। इस रेसिपी में हमें इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं चाहिए, तो इस तरीके से दबाते हुए हम इसका एक्सेस वाटर पूरा निकाल लेंगे। अब हम पोहे को एक प्लेट में डालकर इस तरीके से फैला देंगे और इसे 1 मिनट के लिए सूखने देंगे। 1 मिनट हो चुका है, ये हल्के से ड्राई हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इसे हम गूंद लेंगे। और इसे हमें आटे की तरह स्मूथ बनाना है, और ये बहुत इजीली स्मूथ हो जाता है। और आप इसे हाथों से ना करके मिक्सर ग्राइंडर में भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं, या पोटैटो मैशर से भी इसे मैश कर सकते हैं। ये देखिए एकदम अच्छे से आटे की तरह स्मूथ हो चुका है ये। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू डालेंगे, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, और 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर और नमक, ये हम स्वाद अनुसार डालेंगे, और 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, और 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। और अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और एक स्मूथ डो बना लेंगे। जैसे रोटी बनाने के लिए तैयार करते हैं वैसा एक डो बना लेंगे। और इसमें हमने चिली फ्लेक्स, ग्रीन चिली और रेड चिली पाउडर डाला है। तो आप अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उनके टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए एकदम स्मूथ डो बनाकर हमने तैयार कर लिया है। और अब हम हाथों में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और थोड़ा सा बैटर लेके इस तरीके से हम गोल करेंगे और हथेली से बीच से प्रेस कर देंगे। देखिए इस तरीके से टिक्की का शेप बना लेंगे। और आप यहाँ पर शेप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और इस तरीके से हम हमारी सारी छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बना के रेडी कर लेंगे। और अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ऑयल को मीडियम हाई हीट पर गरम किया है। अब हम इसमें हमारी टिक्कियों को फ्राई कर लेंगे। और जो हमारा ऑयल है वो ठंडा भी नहीं होना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। इन टिक्कियों का अच्छा सा ब्राउन कलर हो जाए तब तक कि हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारी टिक्कियों का कितना बढ़िया सा कलर आ गया है। अब हम इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हमारी बची हुई सारी टिक्कियों को भी हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमने सारी टिक्कियों को फ्राई करके रेडी कर लिया है। ये देखिए हमारी टिक्की कितनी क्रिस्पी बनी है, मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ। और इसे हरी चटनी और केचप के साथ में सर्व करेंगे। और लीजिए झटपट से बना आलू और पोहे का टेस्टी सा नाश्ता या स्नैक रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड और फैमिली से शेयर जरूर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।